गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्पेशल लंच, जो कि सभी लोग खाना पसंद करते हैं, कढ़ी और चावल। आप कढ़ी और चावल बनाने के लिए प्याज को कट करें, हरी मिर्च को कट करें। यह एक ऐसी डिश है जो इंडिया के सभी भागों यानी सभी राज्यों में बनाई जाती है और सभी राज्यों के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए आज हम आपको राजस्थान स्टाइल में कढ़ी और चावल बनाना सिखाएंगे। तो हम जिस तरीके से कढ़ी और चावल बनाएंगे, आप भी प्लीज़ उसी तरीके से अपने कढ़ी चावल को बनाकर और खाकर देखिए। यह एक ऐसी डिश है जो लंच और डिनर दोनों में खाई जा सकती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक स्पेशल लंच और स्पेशल डिनर की डिश है। तो आइए हम अब बनाने के लिए तैयारी करते हैं। आप पहले प्याज लीजिए, उन्हें साफ़ कर लीजिए, और क्योंकि एक प्याज और हरी मिर्च लीजिए। टमाटर हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो कढ़ी कढ़ी की जो सब्जी है वो कढ़ी हमेशा दही या लस्सी के साथ बनाई जाती है, तो इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आप भी इसमें टमाटर न डालें और अपनी कढ़ी बिना टमाटर के बनाएं, लस्सी और दही के साथ। लस्सी ले या दही ले, वो आपकी मर्जी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वही ले सकते हैं। तो आप अपने प्याजों को छोटा छोटा कट कीजिए। कट करने के बाद जब आपके प्याज छोटे छोटे चॉप हो जाएंगे, तो आप एक हरी मिर्च को भी कट कर, क्योंकि हरी मिर्च सब्ज़ी में इसलिए गिरी जाती है कि हरी मिर्च का एक अपनी ही तीखापन होता है, उसके बिना कोई सब्ज़ी स्वाद ही नहीं बनती। तो प्लीज़ आप उसमें हरी मिर्च ऐड करें। तो अब हम अपनी हरी मिर्च के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जिससे हमारी सब्ज़ी स्वादिष्ट और तीखी बनेगी। तो आइए आप भी अपनी मिर्च को कट करें। मिर्च के जब आप मिर्च लें, उसके अंदर चार चार पीस कर लें लंबी के ही, और फिर उसे छोटे छोटे पीसों में काट दें, ताकि आपकी हरी मिर्ची बहुत ही छोटी छोटी कटे। अगर आपको गोल गोल मिर्ची सब्जी में खाना पसंद है, तो आप उसके गोल गोल पीसेज काटिए और अपनी अपनी सब्जी में अपने हिसाब से मिर्ची को काट कर डालिए। फिर हमारा जब प्याज टमाटर का मसाला प्याज और हरी मिर्च कट जाएगी, तब आप बेसन लें। जितना भी आपने कढ़ी बनानी है, आप उसी के हिसाब से अपना बेसन लें। अगर आप खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें ज़्यादा लस्सी या ज़्यादा दही डालें। अगर आप मिट्टी यानी कि बिना खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी लस्सी डालें या थोड़ी सी दही डालें। अब आप एक बाउल लें, उसमें अपना बेसन डालें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स यानी कि लस्सी को मिक्स करें, दही या लस्सी जो भी आपके पास है उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, और बाद में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, ताकि बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो, गांठे न पड़े। अब आप एक पतीला लें और पतीले को गर्म होने के लिए टेक दें। जब आपका पतीला गर्म हो जाए, तब आप मस्टर्ड ऑयल डालें। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद मस्टर्ड ऑयल को गर्म करें और उसमें मेथी की जो पीली मेथी यानी कि मेथी के जो बीज होते हैं, आप वो इसमें डालें, क्योंकि कढ़ी हमेशा मेथी के छोंक से ही बनती है। आपको सुना होगा कि बहुत से लोग कढ़ी पत्ता भी इसमें डालते हैं, कढ़ी पत्ता भी डाला जाता है। तो हम इसमें मेथी का छोंक लगाएंगे, आप भी मेथी के दानों का छोंक लगाएं। और मेथी के दानों का छोंक लगाएं, जब आपके मेथी के दाने भून जाएं, तब आप इसमें प्याज डाल दें और गैस को फुल रखें, ताकि आपके प्याज अच्छी तरह से भून कर तैयार हो जाए। ये देखिए, हमारे प्याज अब भून रहे हैं। और प्याज भूनने के बाद आप इसमें हरी मिर्ची डालें, उसको भी अच्छी तरह से भुनें।
जब आपका मसाला अच्छी तरह से यानी कि प्याज और हरी मिर्ची जो हमने इसमें डाली है वो अच्छी तरह से भून जाए, तब आप अपने स्वाद के अनुसार इनमें अपने हिसाब से सभी मसाले डालें। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सब मसाले आप इसमें डालें जो आप खाना पसंद करते हैं। तो लीजिए, हमारा प्याज भी भून कर तैयार हो गया है। हम अब इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, आप भी अपने मसाले ऐड करें। आप अपने हिसाब से ही नमक मिर्च डालें, क्योंकि अगर नमक तेज़ हो जाता है, जो लोग कम नमक खाते हैं तो उनके लिए वह सब्ज़ी जहर के समान हो जाती है, और जो लोग तीखा कम खाते हैं तो अगर मिर्ची ज़्यादा हो जाती है तो भी वह सब्ज़ी बेकार हो जाती है। इसलिए आप अपने हिसाब से जितना आप नमक मिर्च खाते हैं उतनी ही नमक मिर्च सब्ज़ी में डालें। और हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें हल्दी पाउडर डालें, ये देखिए हल्दी पाउडर डालें, और जैसा आप रंग पसंद करते हैं उसी के हिसाब से आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। और फिर इसमें धनिया पाउडर डालें। धनिया पाउडर डालने के बाद आप इसमें लाल मिर्च पाउडर डालें। लाल मिर्च पाउडर डालें, थोड़ी सा काला नमक डालें और सफ़ेद नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। फिर आप इसमें गरम मसाले ऐड करें, थोड़ी सी हींग ऐड करें और कसूरी मेथी ऐड करें। इन सब सभी को आप अब मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमने इसे मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अच्छी तरह से मिलाकर आपने जो पेस्ट दही बेसन और लस्सी से जो पेस्ट तैयार किया था अब हम उसमें कढ़ी में डाल देंगे। तो आप अपना पेस्ट इसमें मसालों को मिक्स करने के बाद अपना पेस्ट इसमें डाल दें, ताकि आपके मसाले आपके हिसाब से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब बस इसमें हम अपना पेस्ट डालेंगे और कड़छी के साथ हिलाते रहेंगे, ताकि हमारा मसाला जो बेसन का पेस्ट है इसके साथ अच्छी तरह से मिल जाए। आप अपने हिसाब से इससे पानी डाल लें। अगर आप गाढ़ी कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो कम पानी डालिए, अगर आप पतली कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो हम पानी पतलेपन के हिसाब से डालें, पतलेपन के हिसाब से डालें। और इसे अच्छी तरह से रजने दीजिए, घंटा या आध घंटा ज़रूर रजाएं, क्योंकि कढ़ी कच्ची रहेगी तो उसका स्वाद नहीं आएगा। अगर आप आधा या पौना घंटा अपनी कढ़ी को रजा रहे हैं तो गैस को फुल रखें और कड़छी को चलाते रहें। अगर आपको गैस मंदी रखनी है तो आप कम से कम 1 घंटा अपनी कढ़ी को रजाएं, ताकि आपकी कढ़ी कच्ची न रहे और अच्छी तरह से पक जाए। अब इस कढ़ी को रजने दीजिए। अब इसके लिए हम थोड़ी सी बेसन की पूड़ी बनाएंगे जो हम इसमें डालेंगे। उसके लिए आप बेसन लीजिए, उसमें नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला आदि जो भी आप खाना पसंद करते हैं थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। अब इसे पानी के साथ पेस्ट बना लें। पानी का पेस्ट बना के आप इसमें पूड़े जैसे हम पूड़े उतारते हैं उस तरह का पेस्ट बनाएं। फिर आप अपने तवे को गर्म करें, उस पर मस्टर्ड ऑयल लगाएं और छोटे छोटे पूड़ियों तवे पर बेसन की छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते रहें, और बनाकर उसे अच्छी तरह से सिकने दें और उसे पलटते रहें। जैसे हम पूड़ा सेकते हैं उसी तरह से आप अपनी छोटी छोटी पूड़ियों पूड़ा तवे पर हम जब पूड़ा बनाते हैं तो वो एक ही बनता है, इसलिए पूड़ी तो हम 7-8 भी बना सकते हैं। और उन्हें पलटते रहिए। जब आपकी पूड़ी बन जाए, जब आप अपनी कढ़ी में उन पूड़ियों को भी डाल दें और उन्हें थोड़ी देर के लिए रजने के लिए यानी कि कढ़ी के साथ रजने दें, और फिर अपनी गैस को बंद कर दें, आप देखोगे कि आपकी कढ़ी का स्वाद लाजवाब बन होगा और आप उस कढ़ी को उंगली चाट चाट कर खाएंगे। तो लीजिए, हमारी कढ़ी और पूड़ी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने बनानी है जीरा राइस। उसके लिए हम अपनी चावल को लेंगे। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो
उस चावल को आप गिलास में या किसी बर्तन में नाप लीजिए, ताकि आपका जो चावल है वो अच्छी तरह से उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम उसमें पानी डाल सकें, पानी डाल सकें। तो आप नाप कर चावल लीजिए, जिस बर्तन से आप चावल नापें उसी बर्तन से आप अपने चावल का पानी डालें, ताकि आपको हिसाब रहे कि आपने पानी कितना पानी डाला था। तो आप चावल को साफ़ करके भिगो के टेक दीजिए 5 मिनट के लिए, ताकि चावल थोड़ा सा पानी सोख ले और सॉफ्ट हो जाए और हमारे चावल जल्दी बन जाए। तो आइए अब हम अपने चावल को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हम अब हमारी पूड़ी बन चुकी है। पूड़ी बनने के बाद आप इन्हें कढ़ाई में, यानी कि जो कढ़ी बनाई है हमने, हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, उसके अंदर आप डाल दें। गरम गरम कढ़ी में डालें, ताकि ये भी अच्छी तरह से कढ़ी को सूखें और कढ़ी का स्वाद बढ़ाएं, जिससे कि हमें कढ़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगे, टेस्टी लगे और हम कढ़ी का, यानी कि जो अपना लंच है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वाद ले सकें। तो आप अब अपने राइस को साफ़ कर लीजिए। हमने अपने राइस साफ़ कर लिए हैं, साथ में हम पूड़ी बना रहे हैं और अपने राइस को साफ़ कर रहे हैं। तो आप भी इसी तरह से करिए, इससे आपके टाइम की बचत होती है। ये देखिए हमने इसमें पूड़ी को डाल दिया है, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रझने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो कढ़ी है बहुत ही स्वादिष्ट बने। अब हम इसको साइड में करके अपने चावल को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए हमने चावल लिया है, इसे धोकर भिगो कर छोड़ दें। ये देखिए जब तक धोएं, जब तक यह साफ़ पानी न हो जाए तब तक आप अपने चावल को धोएं, 3, 4, 5, 6 बार, जितनी बार में भी आपका पानी साफ हो आप उतनी बार में ही आपका चावल धोएं, मसल मसल कर धोएं और पानी निकालते रहें, ताकि पानी को निकालते रहें। और इन्हें साइड में रख कर आप एक कढ़ाई लें। ये देखिए हमारे चावलों का पानी अभी साफ़ नहीं हुआ है, इन्हें और धोने की ज़रूरत है। वो आप इसी तरह से अपने चावलों को धोएं, जब तक आपका पानी साफ़ ना हो तब तक आप इन चावलों को अच्छी तरह से धोते रहें, और साफ करते रहें। अब आप एक कढ़ाई लें, भारी थल्ली की जो पैन है वो लें, उसमें आप थोड़ा सा देसी घी डालें। देसी घी डालने के बाद आप इसमें जीरा डालें, और जीरे को भूनने के बाद इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल दें। अगर आपका एक गिलास चावल है तो आप आधा चम्मच कढ़ी डालें, और कढ़ी डालने के बाद आप इसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद इसमें आप, अगर आपका एक गिलास चावल है तो आप 2 गिलास पानी डालें, और उस पानी को आप उबाल लें। उस पानी को उबालने के बाद आप अपने चावल को निचोड़ कर उसमें ऐड करें, ताकि आपके चावल पानी, चावलों के साथ पानी न डालें, क्योंकि इसके इनके हिसाब से हमने पानी ले लिया है। तो आप अपने सभी चावलों को निचोड़ कर इसमें डालें, और फिर 10 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दें, ताकि आपके चावल बनकर तैयार हो जाए। तो आप ये देखिए हमने अपने चावल, सभी चावल इसमें रख दिए हैं, यानी कि डाल दिए हैं। आप भी इसी तरह से डालें, निचोड़ निचोड़ कर, पानी न जाए, क्योंकि इस पानी इसमें हम डाल चुके हैं, और 10 मिनट के लिए इसे ढक कर छोड़ दें। 10 मिनट में ही आपके चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्लेवर आया है। आप भी
अपना जीरा राइस इसी तरह से बनाएं, कितने फुले फुले और खिले चावल बने हैं। और इस तरह से अब हमारा लंच बन चुका है। आइए अब हम इसके बाद हम चावल के साथ पापड़ को भी खाया जाता है, तो आप अगर आपके पास पापड़ है तो अपने आप अपने पापड़ को लीजिए और उसे गैस पर सेकें, क्योंकि बहुत से लोग कढ़ी और चावल के साथ हमेशा पापड़ को खाना पसंद करते हैं। आप भी अगर खाना पसंद करते हैं तो आप चावल कढ़ी और चावल के साथ अपने पापड़ को सेक लीजिए। ये देखिए हम अब अपने पापड़ को सेक चुके हैं, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, प्रॉपर हमारा लंच तैयार हो चुका है। अब हम इन्हें प्लेट में डालकर सिर्फ खाने की तैयारी में हैं और हम अपने पापड़ को सेक रहे हैं, और सेकने के बाद हम अपनी लंच प्लेट तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा पापड़ सिक चुका है, आप भी इसी तरह से सेकें। आप इसे मोड़ लें, मोड़ने के बाद ये देखिए हमारा पापड़ मुड़ चुका है और हमने लंच प्लेट तैयार कर ली है। अब हम अपना लंच प्लेट में डालेंगे। ये हमने चावल डाले हैं, ये देखिए हमने अपने चावल कटोरी में डाल लिए हैं और कटोरी को प्लेट कटोरी के ऊपर मुंदी कर दी है ताकि चावल एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए हमारे चावल सेट हो गए हैं। अब आप इस पर प्याज के साथ कढ़ी और चावल में छोटे छोटे पीसीजों में प्याज काट कर खाया जाता है, तो हमने इस पे थोड़ा सा प्याज रख दिया है कट करके। अब आप इसमें कढ़ी डालें, इस चावल के साथ ही कढ़ी को उलट दें ताकि बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ये देखिए हमने इस के ऊपर ही कढ़ी डाल दी और अब हम अपना पापड़ भी इसमें टेक लेंगे। अगर आपको हमारी यह विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक